हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्मोरा गो एंड्रॉयड वीडियो एडिटर ऐप के बारे में, इसके ट्यूटोरियल के बारे में और इसके क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में, जो मेरे के पुराने ट्यूटोरियल वीडियो पे जो व्यूअर्स ने जो डाउट्स पूछे थे उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले इस ऐप की एक सबसे खास सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि जो है रिवर्स वीडियो, जो कि इनशॉट वीडियो एडिटिंग ऐप में आपको नहीं मिलता है। तो चलिए सबसे पहले रिवर्स ऑप्शन का हम लोग यूज़ करना यहाँ पर देख लेते हैं, सीख लेते हैं। ये देखिए एक वीडियो क्लिप मैंने बनाया है जिसमें मैं हाथ से खींचकर चार्जर को प्लग से निकाल रहा हूँ। अब मैं इसे रिवर्स कर दूंगा तो ऐसा लगेगा कि ये चार्जर खुद ब खुद जाकर प्लग में घुस जा रहा है। तो इसे रिवर्स करने के लिए सबसे पहले आप इसमें ट्रिम ऑप्शन में जाएं। ट्रिम ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे रिवर्स का ऑप्शन यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर आ रहा है, तो इसे आप कर दीजिए रिवर्स। अभी ये प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लेगा, 100% होने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक के लिए आप वेट करें। और देखिए बिल्कुल जादू वाले ट्रिक्स जो आजकल लोग टिकटॉक में बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, वैसा ही कुछ इसमें इफ़ेक्ट अब आपको दिखेगा। ये देखिए अब वीडियो आप देख सकते हैं, ऐसा आपको लगेगा कि ये चार्जर खुद ब खुद जाकर आपको उसमें घुस जा रहा है। देखिए इस एंड्रॉयड ऐप की सबसे खास बात और एक सबसे अच्छा ऑप्शन जो कि इसमें मिलता है, जो कि इन शॉर्ट में नहीं है। अब चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने का ऐसा है भैया कि जब आप सिर्फ एक ही क्लिप आप रखे हो और जब आप उसे डिलीट करते हो तो वो डिलीट नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है ऊपर, आप ये देखिए आप और पढ़िए क्या लिख रहा है कि है प्लीज़ कंटेन एटलीस्ट वन क्लिप। तो अगर आपके टाइमलाइन में सिर्फ एक ही क्लिप है तो वो डिलीट नहीं हो सकता। अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप बाकी सबको डिलीट कर सकते हैं, एक तो इसमें रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। ठीक है अब चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्प्लिट करने का, तो हाँ स्प्लिट करने का या कट करने का जो इसमें प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है इस ऐप में। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि मैं एक एग्ज़ाम्पल से इसे समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि हमारे पास अभी टाइमलाइन में ये दूसरा क्लिप है और यह 2 मिनट का है। अब मैं इसमें से चाहता हूँ कि इसे मैं ट्रिम करूँ 1 मिनट तक, यानी कि 0 से 1 मिनट तक रखने के लिए। तो ये बिल्कुल ही आसान है, बस आप जस्ट इसे एक यहाँ आपको सेकंड्स दिख रहे हैं कॉर्नर में, तो यहाँ एक पर लाके आपको ओके कर देना है। अब ये जो दूसरा क्लिप है हमारे पास ये सिर्फ 1 मिनट का बच गया। अब बात आती है कि बीच से कट कैसे करें, बीच से कैसे कट करें। सपोज़ कि 1 मिनट से लेके 1 मिनट 20 सेकंड तक मुझे अनवांटेड है, उसको मैं निकाल देना चाहता हूँ और फिर 1 मिनट 20 सेकंड से लास्ट तक रखना चाहता हूँ इसी वीडियो क्लिप का, तो कैसे रखें। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 मिनट तक का क्लिप मैंने कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसी का एक डुप्लीकेट, यहाँ पे देखिए एक डुप्लीकेट ऑप्शन आ रहा है, इसी का एक डुप्लीकेट यहाँ पर हम लगा लेंगे। यानी कि जो तीसरा नंबर क्लिप हमारे पास यहाँ पे जो आया वो सेकंड का डुप्लीकेट है। अब देखिए फिर से ये 2 मिनट का है, तो मैं क्या करूँगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है 1 मिनट 20 सेकेंड्स पर सेट कर दूँगा। ये देखिए 1 मिनट 20 सेकेंड्स पर सेट कर दिया, ओके कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ हमारा कि नंबर 2 क्लिप और नंबर 3 क्लिप दोनों के बीच में 20 सेकंड का वीडियो मैंने कट कर दिया टेक्निकली। तो इस सॉफ्टवेयर में, इस ऐप में आप ऐसा ही ट्रिमिंग या क्लिपिंग कर सकते हैं। अब रही बात इसके ऊपर म्यूज़िक डालने की, अपना ट्रैक डालने की, तो सबसे पहले जो म्यूज़िक ट्रैक आप उसमें डालना चाहते हैं वो आपके फ़ोन में सेव कर लें, और ये वाला जो ऑप्शन है ऑडियो मिक्सर ऑप्शन, यहाँ से आप उसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ये 100% जो दिखा रहा है आपके ओरिजिनल वीडियो की वॉल्यूम है, यहाँ जो नो म्यूज़िक दिखा रहा है मतलब जो आप म्यूज़िक ट्रैक इसमें ऐड करना चाहते हैं वो होगा ये। तो चलिए इसमें हम म्यूज़िक ट्रैक ऐड करने के लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये जो थीम्स के नीचे म्यूज़िक का जो ऑप्शन आता है, इस प्लस साइन पर टच करके हम इसमें म्यूज़िक ट्रैक डाल सकते हैं।
माई लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे तो आपके फ़ोन में जो आपके फ़ोन मेमोरी में जो म्यूजिक्स अवेलेबल हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेगा, और उसके पीछे बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक आप जब ओके करेंगे तो वो लग जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल अभी हमारे 3 क्लिप्स हैं टाइमलाइन में। पहला क्लिप जो है वो रिवर्स ऑप्शन है, और दूसरा तीसरा मैंने बीच से कट करने का ऑप्शन बताया था आपको, डिलीट करने का भी ऑप्शन मैंने बता दिया। और जहाँ तक बात है लोगो हटाने की, तो लोगो हटाने के अभी हमारे पास दो ही तरीके हैं मात्र। पहला तरीका है या तो आप 300 रुपये दे के परचेज कर लो, या फिर रेंडर होने के बाद आप किसी दूसरे ऐप का यूज़ करके लास्ट का वो पोर्शन कट कर दो जो ऐप अपना लोगो नहीं छोड़ता है। इसके लिए आप इनशॉट ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इनशॉट ऐप आपको फैसिलिटी देता है कि एक 15 सेकेंड या 30 सेकेंड का ऐड देखकर आप लोगो हटा सकते हैं, तो वो हमारे लिए आसान है। और YouTube वीडियोस बनाने के लिए दोनों ही ऐप को मैं रेकमेंड करता हूँ, फिल्मोरा और इनशॉट। और उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स के क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। यदि फिर भी आपको इस फिल्मोरा से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मुझे जवाब देने में बहुत खुशी होगी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।